हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है बेसिकली वो मैंने कहा कि थोड़ी सी डिफरेंट सी बनाई जाए, तो उसके लिए हमने बेसिकली एक ऑटोमेटिक कार वॉश कराया था गाड़ी का। तो मैंने कहा मे बी इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर सम ऑफ द पीपल कि किस तरह का ऑटोमेटिक कार वॉश होता है। इसलिए मैं ये लाइन में लगा हुआ, बेसिकली आई हैड टू वेट फॉर माई टर्न। सो ये बेसिकली इसमें नो पर्सन इज़ इन्वॉल्व, इट्स एन ऑटोमेटिक मशीन। यू गेट अ वाउचर, ये बेसिकली पेट्रोल पंप के साथ अमूमन लगे होते हैं। तो दिस इज़ एप्पल ग्रीन पेट्रोल स्टेशन, जहाँ पे ये ऑटोमेटिक कार वॉश था। इसमें तीन बेसिकली टाइप्स के कार वॉश होते हैं। एक जो आप सामने देख रहे हैं उसमें बेसिकली इट क्लीन्स, और इसमें अगर आप नीचे देखें तो देर इज़ अ स्पेशल ब्रश जो कि एलॉय रिम्स को भी वॉश करता है। तो मतलब काफ़ी अच्छा वॉश हो जाता है ये। इट्स पहले पावर जेट्स के थ्रू पानी डाला जाता है गाड़ी पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे, ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करती है, और रेड साइन मीन्स दैट द कार शुड बी स्टेशनरी, उसको रुके होना चाहिए। और उसमें उसके बाद जब ये एक दफ़ा कर लेते हैं, कार को वेट कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं पावर जेट से, उसके बाद जो सोपी वाटर है वो कम्स आउट, और उसके साथ साथ ये जो आप रोलर्स देख रहे हैं ये बेसिकली गाड़ी के ऊपर चल रहे होते हैं। और ये इसकी हर डायरेक्शन पे फ्रंट से शुरू होते हैं, और उसके बाद ये साइडों पे भी मूव होंगे और फ्रंट पे भी मूव होंगे, और आप देख सकते हैं किस तरह। और इसके अंदर बेसिकली इसके जो स्पिंडल है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, इसमें अदर देन ये जो इसके रिवॉल्विंग के साथ साथ उसके स्पिंडल के अंदर से एसओपी वाटर भी साथ साथ निकल रहा होता है। और जब ये एसओपी वाटर के साथ ये आपकी कार के साथ रब करता है, विच हैज़ एन ऑटोमेटिक डिटेक्टर ऑन इट कि आपकी गाड़ी को कितना उसने उसके गाड़ी के पास आना है, तो ये मेक श्योर कि अच्छी तरह ये आपकी गाड़ी की सफाई करे। और ग्लास जहाँ पे आएगा और गाड़ी की बॉडी के मूवमेंट के साथ साथ इट कीप्स चेंजिंग इट्स ट्रैक। इसमें पूरा पूरा मैकेनिज्म है, डिटेक्टर्स हैं, लॉट्स ऑफ डिटेक्टर। इसीलिए मैंने कहा एक गाड़ी के पीछे से आपको दिखाऊं कि हाउ इट इज़ बीइंग डन। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पे उसको फील हुआ है कि देयर इज एन एंटीना ऑन द टॉप ऑफ द कार, क्योंकि दैट इट मूव्स एंड ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि अगर ये इट विल कीप रोटेटिंग विद द एंटीना, तो ये एंटीना तक को ऑफ कोर्स इट कैन ब्रेक द एंटीना। सो इट मेक श्योर्स टू अवॉइड एनी थिंग ऑन द कार एंड अकॉर्डिंग टू इट्स कर्वेचर ऑफ द कार। ये जो इसके वॉशिंग के स्पिंडल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, और साइडों पे भी यू कैन ऑब्जर्व के साइडों से भी उसके रिवॉल्विंग ब्रशेज हैं लगे हुए, और ये सॉफ्ट कपड़ा होता है उस तरह के। और अगेन एट द बैक इट विल रब द कंप्लीट बैक ऑफ द कार, एंड दिस इज ऑल ऑटोमेटिक, देर इज नो पर्सन इन्वॉल्व, देर आर लॉट्स ऑफ सेंसर ऑफ कोर्स इसके अंदर मैकेनिज्म के, एंड यू कैन सी हाउ दे आर डिटेक्टिंग द शेप ऑफ द कार एंड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कार, क्योंकि ये किसी भी गाड़ी के लिए विच कैन फिट अंडर इट। ऑफ कोर्स मतलब कोई ट्रक वगैरह नहीं जा सकता क्योंकि इट इज नॉट दैट वाइड इनफ, बट एनी कार मतलब स्मॉल कार से ले के आपकी कह लें सुजुकी मेहरान या ऑल्टो सिविक, और आगे अगर जाते हैं लैंड क्रूजर वगैरह कोई भी हो, इट कैन अकॉर्डिंग टू द कार शेप, वेदर इट्स अ छोटी गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है, उसके मुताबिक ये रब करता रहता है। और जो दूसरा पार्ट होता है, फर्स्ट इट्स सोपी वाटर एंड देन इट वॉशेज द कार विद प्लेन वाटर। अब इसके अंदर से बेसिकली सेकेंड टर्न पे प्लेन वाटर निकल रहा होता है, और उसके बाद ये वॉश कर रहा होता है उसे, और इसका एक थर्ड स्टेप भी होगा। इसमें बेसिकली ये जो ऑटोमेटिक मशीन होती है, इसमें यहाँ पे जो आयरलैंड में हमारे पास होती है, वहाँ पे तीन मोड्स आपको, आप तीन बेसिकली किस्म के वाउचर्स ले सकते हैं। ये जो इस पर्सन ने करा के ये चला गया है, इसमें पहले बेसिकली वाटर जेट था, और उसके बाद बाकी दो मोड थे। ये मैं कोड एंटर कर रहा हूँ, वंस यू हैव टू परचेज अ वाउचर। आप वो स्टेशन के अंदर जाके वाउचर लेते हैं, और अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड मोड ऑफ वॉश आप फिर वाउचर इसमें डालते हैं, और उसके बाद यू प्रोसीड फर्दर। ये मैं बाहर निकला था वाउचर डालने के लिए, और उसके बाद अब ग्रीन एरो इट मींस दैट आई कैन कम, एंड द रेड एरो मींस दैट प्लीज स्टॉप द कार हेयर एंड सो दैट द वॉश कैन स्टार्ट। ओके, तो ये आप देखें, ये पहला मोड है जिसमें इट्स स्प्रेइंग द जेट वाटर। ठीक है, ये प्लेन वाटर है, जेट वाटर है, जस्ट टू क्लीन क्लीन द कार विद द प्लेन वाटर इन अ जेट वे। और जो मुझसे पहले गाड़ी थी उसने सिंपल जो है वॉश कराया था, उसमें जेट वाटर होता है, उसके बाद सोपी वाटर, और उसमें थर्ड होता है जिसमें वो वापसी पे वो करता है, वो जस्ट वाइप इट आउट विद अ क्लीन वाटर, वो भी उसमें भी गाड़ी पे रोल फेरता है, लेकिन ये है कि वो प्लेन वाटर के साथ होता है, जस्ट क्लीन आउट द प्लेन
द सोपी वाटर, तो वो बेसिक वॉश होता है, वो अमूमन जो है इट्स अराउंड आई थिंक सो 8 यूरोस के करीब होता है दैट प्लेन वाटर वॉश. ये जो मैं करा रहा हूँ इट्स अ 3-स्टेप वॉश. इसमें ये आप सोपी वाटर, इसमें प्लेन वाटर का पहले वॉश होता है, फिर सोपी वाटर का वॉश होता है, फिर इसमें जो है जो 3rd स्टेप होता है वो इसमें जो है कार की पॉलिशिंग भी होती है. एक वॉश मोड होता है वो आई थिंक सो शैम्पू काइंड ऑफ शैम्पू विद हैज अ कार पॉलिश इनसाइड इट, और उसके थ्रू वॉश होता है. ये मेरी बेसिकली कार की फ्रंट विंडो है कि जब वो जो स्पिंडल मूव कर रहा है विद अ ब्रश ऑन इट तो कैसा फील हो रहा है. आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि कितना थ्रश के साथ वाटर होता है. इस वक्त आपकी गाड़ी बिल्कुल स्टेशनरी होती है एंड यू आर सिटिंग इनसाइड द कार. तो ये कार वॉश टोटल इट्स मतलब इट्स रन टाइम में मैंने जो दिखाया हुआ है इट्स द मैक्सिमम काइंड ऑफ वॉश विच यू कैन गेट विद 3 मोड्स. और ये आप देख सकते हैं कि ये सोपी वाटर के साथ बेसिकली इट्स विद द सोपी वाटर एंड इट्स रिवॉल्विंग अराउंड द कार ऑन द स्क्रीन टू जस्ट मेक श्योर दैट द कार वॉशेज. और जिस तरह मैंने पहले दिखाया था पीछे से जब देख रहे थे कि देयर इज अ स्पेशल ब्रश विच कम्स विच डिटेक्ट्स कि आपकी गाड़ी के व्हील किधर है, क्योंकि यहाँ पे आयरलैंड में अमूमन कार वैसे काफ़ी आपकी साफ रहती है. यू डोंट हैव टू क्लीन इट एज मच एज जितने पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट होती है. सिर्फ इधर जो सबसे ज़्यादा आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी पर डर्ट कितनी है वो यूजुअली यू डिटेक्ट व्हेन यू लुक एट द व्हील कप्स और अलॉय रिम्स, उस पर काफ़ी ज़्यादा डर्ट होती है. तो इसके लिए इफ़ यू वुड हैव लुक्ड इन द फर्स्ट पार्ट जब मैं दिखा रहा था पीछे से कि दूसरी गाड़ी को हम देख रहे थे, देयर आर स्पेशल ब्रशेज जो कि आपकी गाड़ी के जो अलॉय रिम्स होते हैं उसको अच्छी तरह वॉश करते हैं. And now this is ये पीछे से वॉश करके ये वापस आ रहे हैं एंड दिस इज़ विद द प्लेन वाटर. ये प्लेन वाटर के साथ एक दफ़ा वॉश हो रहा है, ठीक है, जो ताकि जो सोपी वाटर है वो इसके गाड़ी पे से रिमूव हो जाए. एक दफ़ा पहले फ्रंट से पीछे जाता है विद द सोपी वाटर एंड देन इट कम्स बैक विद जस्ट द प्लेन वाटर एंड वॉशेज द कार सो दैट आपकी गाड़ी बिल्कुल साफ़ हो जाए. जो मुझसे पहले आगे गाड़ी थी रेड कार जो गई थी उसने बस ये सिंपल सिंगल मोड कराया था. अब मेरा जो है कंप्लीट मोड है जिसमें एक और दफ़ा ये भी चलेगा. ये इंटरेस्टिंग है, बच्चे मेरे साथ थे तो दे रियली एंजॉय. बेसिकली आपका मेरा ख्याल है टोटल 8 मिनट का कि 7 मिनट का पोस्चर होता है, ये प्रोसेस होता है जो कि इंटरेस्टिंग होता है. इफ़ वंस इन अ वाइल ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव पड़ता है आई थिंक सो दिस टोटल वॉश इज अराउंड आई थिंक सो 16 यूरो 15 यूरो का ये वॉश होता है जो मैंने कराया है. पहले वाले ने जो कराया था दैट वॉज 8 यूरो. अब ये देख रहे हैं ये दोबारा से अगेन जो है सारा कुछ स्प्रे कर रहा है एंड दिस इज द पॉलिश विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. द फर्स्ट वॉज द सोपी वाटर एंड देन द वॉश, और जो तीसरा होता है वो आपका होता है कि इसको कर पॉलिश के साथ, और इसको फिर ड्राई मोड भी होता है. सॉरी मैं बताना भूल गया, इसके बाद ड्राई मोड होगा एंड लेट्स सी ये आप ड्राई कैसे करेगा. ये जिस तरह आपका हेयर ड्रायर्स होते हैं उस तरह का ये इसमें ड्रायर भी होता है. इसके लिए अलग से ये मशीन कह लें, ये मशीन सी आती है. अगेन इट्स डिटेक्टिंग वेयर योर कार इज एंड इट्स थ्रशिंग द एयर एट अ वेरी हाई प्रेशर टू मेक श्योर द वाटर गोज अवे. ये अभी आप स्क्रीन पे देखें तो आपको पता चल रहा है कि पानी किस तरह जो है मूव कर रहा है आउटवर्ड्स, क्योंकि जिस तरह उसकी डायरेक्शन है उसके लिहाज से इट्स ड्राइंग इट फ्रॉम द साइड ऑफ द कार, ठीक है, और इसी तरह फ्रॉम द टॉप ऑफ द कार. सो इट्स मेकिंग श्योर आपकी गाड़ी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए ताकि आपके रेजिड्यूल ऑफ वाटर गाड़ी के ऊपर ना रहे. तो इंटरेस्टिंग था, काफ़ी मज़ा आया, बच्चे ने एंजॉय किया एंड वंस इन अ व्हाइल इट्स इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव. अगर मतलब आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट कॉस्ट वॉज 15 or 16 यूरोस, बट अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो आई थिंक सो इट्स 3 or 4,000 रुपीज़ पाक रुपीज़ जो कि इसकी कॉस्ट है. लेकिन ऑफ कोर्स हम इधर रहते हैं तो उस लिहाज से इट्स नॉट दैट बैड बट स्टिल इट्स बिट एक्सपेंसिव. सो ये जस्ट टू शो के जी क्लीन के होने के बाद गाड़ी कैसे लशपश कर जाती है, ठीक है, और साफ़ सुथरी हो जाती है. इट्स वर्थ गेटिंग दैट. मतलब ऑफ कोर्स आप मैनुअली करें या घर पे खुद कर लें तो इट्स चीपर, बट समटाइम्स ड्यू टू द वेदर इट्स हार्ड, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी होती है और इट्स विंटर टाइम. सो समटाइम्स इट्स बेटर कि आप बाहर से करा लें तो इजी लाइफ हो जाती है. तो काफ़ी साफ़ सुथरी गाड़ी. उसके बाद मैंने थोड़ी देर पार्क की थी ताकि आपको दिखा सकूँ. कार इज़ क्वाइट क्लीन एंड द लास्ट थिंग इज़ टू शो द व्हील कप्स इज़ वेल. आई जस्ट वॉन्टेड टू शो, वो अभी मैं दिखाऊँगा कि व्हील कप से अलॉय रिम से साफ हो जाते हैं. तो ये आज की वीडियो थी. लेट मी नो इफ़ यू वॉन्ट टू सी एनी थिंग एल्स और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम. थैंक यू वेरी मच.